हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा की, ओवैसी ने क्या आरोप लगाए ये हम आपको बता रहे हैं। हम आपको ओवैसी की पूरी बात ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हैं, ये तमाम आरोप लगाए हैं ओवैसी ने। मोदी अभिनय करते तो सभी को पीछे छोड़ देते। 10 साल में बीजेपी ने सिर्फ नफरत फैलाई, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा की। देश में मुस्लिम वोट बैंक कभी नहीं था। चुनावी मौसम में सियासी प्रहार ओवैसी की तरफ से बीजेपी पर किया गया और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला ओवैसी ने। तीन तस्वीरें इस खबर से जुड़ी आपके सामने हम रख रहे हैं। ओवैसी का बीजेपी पर प्रहार, हैदराबाद को राजकारों से मुक्ति की बात यहां पर अमित शाह ने कही, तो हैदराबाद में क्या बदलाव होगा ये एक बड़ा सवाल। माधवी लता हैदराबाद से उम्मीदवार है और चुनावी मैदान में ओवैसी को टक्कर देने जा रही है। लोकसभा चुनाव में इस बार हैदराबाद हॉट सीट बनी हुई है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को मात देने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। ओवैसी 2004 में पहली बार सांसद बने और तब से लगातार वही सांसद हैं। भाईजान को पूरा भरोसा है कि इस बार भी वो ही जीतेंगे, तभी उनके हर बयान में मोदी सरकार निशाने पर रहती है। ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उसने पिछले 10 साल में सिर्फ नफरत फैलाई है, साथ ही उन्होंने पीएम को सबसे बड़ा एक्टर भी बताया है। 10 साल में क्या मिला भारत के लोगों को? कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर है तो नरेंद्र मोदी है। अगर वो बॉलीवुड बंबई में फिल्मों में काम करता तो पूरे एक्टरों की दुकान को बंद कर देते वो। ओवैसी अपने बयानों के जरिए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। पीएम मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला तो भाईजान भी उसमें कूद पड़े। उन्होंने साफ कहा कि मंगलसूत्र के बहाने मुस्लिमों से नफरत फैलाई जा रही है। मोदी कहते हैं कि मंगलसूत्र हमारी हिंदू बहनों के गले से छीन कर मुसलमानों को दिया जाएगा। अरे नरेंद्र मोदी, झूठ बोलना तुम्हारा एक फन बन चुका है, मगर कोविड में लाशें नदियों पर तीर रही थी। तुमने कभी सोचा मंगलसूत्र की बात तुम आज करते हो? तुमने कभी सोचा कि कितनी हमारी बेटियां, हमारी बहनें बेवा हो गई तुम्हारी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से? दरअसल इस चुनाव में बीजेपी ने हैदराबाद से के माधवी लता को अपना उम्मीदवार बनाया है। माधवी लता की तेज तर्रार छवि है, वो लोगों से मिल रही है और चुनावी क्षेत्र में जमकर प्रचार कर रही है। माधवी को उम्मीद है कि इस बार हैदराबाद में बदलाव जरूर होगा। उन्होंने क्या डर पैदा कर दिया पूरे देश में, हम नहीं है तो आपका वजूद नहीं रहेगा, ये डर के वजह से पूरे मुसलमान आज भी पूरे देश भर समझते हैं कि शायद हम असदुद्दीन जी को सही सलामत या उनको वोट डालते रखेंगे तो शायद हमारा यहाँ पे टिकना होगा। लेकिन यह गलत बात है, यह गलत बात है। असदुद्दीन जी दो लोगों को भड़काते हैं, एक पसमंदा लोगों को डराते हैं और दूसरा नौजवान बच्चों को भड़काते हैं। जोर सिर्फ माधवी लता ही नहीं लगा रही है, गृह मंत्री अमित शाह भी हैदराबाद में रोड शो के जरिए माहौल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। शाह ने तो साफ कह दिया कि हैदराबाद को रजाकारों से मुक्त कराना है। 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे हैं। इस बार मौका है बहन माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजिए और हैदराबाद को साच अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करिए। हैदराबाद पर ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। 1984 में उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी पहली बार यहां से सांसद बने। 2004 में असदुद्दीन ओवैसी यहां से पहली बार सांसद बने और तब से लगातार हैदराबाद पर उन्हीं का कब्जा है। जाहिर है इस बार भाईजान और बीजेपी के बीच दिलचस्प लड़ाई होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।